अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अलाइट स्कूल सेवेंथ क्लास मैथ्स काउंटडाउन न्यू काउंटडाउन चैप्टर नंबर फोर एक्सरसाइज फोर ए। टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं किसी भी नंबर का। बेसिकली ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ साथ जो है ना वो मिलता है अकॉर्डिंग टू बाय डिवीजन फ्रैक्शन। Find by factors the positive square. Find by factors the positive square roots of number 1 है 5 to 9। आप क्या करें, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के लिए 2 से ट्राई करेंगे लेकिन 2 से नहीं आएगा, तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 529 आ जाएगा। उसके बाद 23 वन 23। अब इसका क्या करें, 529 इज टू 23 मल्टीप्लाई 23, ऊपर बाहर लगाएं। इसका मतलब है ये एक ही चीज़ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये आंसर वही आएगा। उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर डालें, बाहर ख़त्म कर दें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर लें इधर भी स्क्वायर लें। 23 को स्क्वायर लेंगे तो ये 2 और ये अंडर रूट कैंसिल, तो 529 इज इक्वल टू 23, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 1024। इसको भी ऐसे डिवाइड करें, यानी इसका एलसीएम ले लें। 2 5 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, लेकिन 1 इधर चला गया तो ये 11 हो गया, लेकिन 2 5 10, फिर 1 इधर चला गया तो 2 2 6 12। आप इसको पूरा ऐसे एलसीएम ले, आपके पास जो है ना काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा 2 टाइम, ठीक है। 1024 लिखे और इसको सबको अंडर रूट के साथ, अंडर रूट के अंदर इसको 2 को 10 टाइम लिख लें। अब हमारे पास आ गया 1024 इज इक्वल टू, इनको ये 10 दफा लिखे, इनको स्केयर बना के लिख लें, 5 दफा लिखे जाएंगे। अब स्केयर ले लें, ठीक है, ये अंडर रूट लहदा लहदा करके लिखे, काटे तो ये 2 2 बच जाएगा, कितने बच गए 5। ये अंडर रूट जो है वो इसकी वैल्यू थी 1/2, इसलिए ये 2 और ये अंडर रूट इससे कैंसिल होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अंडर रूट 1024 इक्वल टू 2 टाइम, यानी 5 टाइम 2 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 1024 के ऊपर अंडर रूट आएगा, ठीक है, हाल ही 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो 1 2 2 2 5। आप क्या करें, इसे 2 से ही हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में ये ओड नंबर है, ठीक है। 5 से करके देखें, 5 2 10, 2 इधर चला गया, 5 4 20, फिर 2 उधर चला गया, 5 5 25, 5 4 20, 5 उधर चला गया, 5 9 45, अब 7 7 49, 7 7। अब 5 5 और 7 7 ये आ गया, इनके ऊपर बाल लगाए, फिर इनके स्केल लिखे। टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केल लें इधर भी स्केल लें, लेदर लेदर स्केल लें, काटे 5 × 7, यानी 35 आंसर आ गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, 1764 है, तो 2 को करें क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 8 16, 2 2 4, इसी तरह करते जाएं, फिर 3 से करें फिर 7 से करें। ये आपके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको इजीली आप देख सकते हैं। अब इसका जो है वो 2 2 3 3 7 7 आ रहा है, ये इसका नीचे आंसर लिखें। अब इनके ऊपर स्केयर स्केयर करें, लहदा लहदा इनको 2 2 कर लें। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लें, ये 2 2 से कट जाएगा, ये 3 स्क्वायर से कट जाएगा, 7, ये देखें 7 3 2, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2 3 7 है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आंसर है। आपने इसको चेक करना हो गया, करें 42 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1764 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तो 11025 है। अच्छा, ये जो है ना ये 11025, ये 5 से भी हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है पहले छोटे नंबर से आपने इसको मल्टी डिवाइड करके देखना है। 3 3 9, ठीक है, ये उधर चला गया 2,
3 6 18, फिर 2 इधर चला गया, 3 7 21, 1 उधर चला गया, 3 5 15। इस तरह आप इसको सॉल्व करते जाएं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3 3 5 5 इंटू 7 इंटू 7। इनके स्केयर बना लें, आप टेकिंग स्केयर रूट ऑन बहुत सारे लिखे हैं, लेदर लेदर स्केयर लिखे हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो है 3 5 7, 3 5 7 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 2 3 0 4 है, लास्ट में वन नंबर है, तो 2 से करना शुरू करें, डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, फिर यहाँ पे आके 3 से करें, 3 3 9 3 1 3। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 और 3, 8 2 है और 2 दफा जो है 3 है। इनको सबको लिख लें, उसके बाद इसके स्केयर बना लें, लेदा लेदा ये 4 आ गए और ये 1 आ गए। अब स्केयर रूल लें बोथ साइड, इधर भी स्केयर इधर भी स्केयर, स्केयर स्केयर करता जाएगा, पीछे 2 4 टाइम 2 आ गया और 1 टाइम 3 आ गया। इसको काटेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 48 आएगा, ये ऊपर लिखा। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो 8 4 6 4 है। अब 92 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 से करना चाहिए था प्रॉपर, पहले 2 से करते जाते एंड पे आंसर जो आना था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए डायरेक्ट कर दिया है क्वेश्चन के, अगर 92 इंटू 92 है, 92 1 92 है, ठीक है। उसके बाद 15 3 7 6, इसको भी 2 से करेंगे पहले, टू सेवन द 14, फिर 1 उधर चला गया, ऐसे करते जाए इनको डिवाइड, फिर यहाँ पे 31 के अलावा कोई भी नहीं हो रहा था टेबल, तो इसलिए 31 को 31 से कराया तो 961 आ गया, फिर 31 1 31 आ गया, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है और 1 1 2 टाइम 31 है। इनको लिख लें, फिर स्केयर स्केयर रूट लें वो साइड पे, स्केयर स्केयर से कैंसिल होता जाएगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो 2 2 और 31 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 2 4 आ गए। इसी तरह ये 9 क्वेश्चन है, 2 1 9 0 4 है, तो इसको भी 2 से करते जाए, 2 से, अब 37 के अलावा ये किसी टेबल पर नहीं जा रहा था, तो 37 1 37, ऐसे इसको 37 इंटू 37 1 3 6 9 आ गए। अब इनके जो कितने हैं, 2 4 जो है 2 टाइम और 31 37 37 है, इसको लिख लें, स्केयर रूट लें, कट जाएगा तो 2 2 इंटू 37 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करें 1 4 8 आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 9 5 8 4 है, इसको 2 से करें, 2 से करें, फिर 2 से, फिर 13 43 43 इससे करें, फिर 43 1 43 करें। इस तरह इसके 2 2 सारा लिख लें, इसको 4 टाइम और ये 2 टाइम ये, फिर इनको स्केयर बना लें, बार बना लें, फिर स्केयर रूट लें, दोनों तरफ से कट जाएगा, तो इसके बाद 2 2 इंटू 43 आया, फिर आंसर है 172। 11 क्वेश्चन है, 108 108 16 है, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से पहले ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, लास्ट में 13 13 169, तो 13 1 13। अब इसके स्केयर बना ले, कितने 2 1 2 3 4 5 6 है, 6 टाइम 2 लिखे हैं, 13 टाइम 13 जो है 2 टाइम लिखे हैं। अब इनके स्केयर बारी बारी स्केयर बना लें, टेकिंग स्केयर रूट लें, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होते जाएंगे, तो ये इसका 2 2 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई 13 104 इसका आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो आप खुद कर लीजिएगा, अगर फिर भी किसी को इशू हो तो कमेंट में बता दे, फिर उसको एक इंडिविजुअल जो है ना वो कमेंट्स में करके ना फोटोज की अपलोड कर दीजिएगी। होप है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।